वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस। आई एम धीरेन्द्र कुमार। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉस्मिड एक्ट एज ए क्लोनिंग वेक्टर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज एंड वेरियस वायरस यूज एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्मिड देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट आपका वेक्टर है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, चाहे बच्चा बीएससी या बीटेक या एमएससी एमटेक बायोटेक का स्टूडेंट है या कोई नीट गेट या सीएसआईआर की तैयारी करे, तो इसमें क्वेश्चन रेगुलर आपका पूछा जाता है। पूरे वीडियो को आप देखिएगा बहुत ध्यान से और श्योर आपका कंसेप्ट होगा, क्लियर हो जाएगा। यदि आप बीच में देख के छोड़ देंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं वन बाई वन टॉपिक। पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉस्मिड रियल में है क्या। तो कॉस्मिड वेयर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कोलिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कॉस्मिड डिस्क्राइब किया, उन्होंने डिजाइन किया, कॉन्स्ट्रक्ट किया। तो उन्होंने कैसे कॉन्स्ट्रक्ट किया था, तो उन्होंने कॉस्मिड आर हाइब्रिड बिटवीन फेज डीएनए एंड बैक्टीरियल फेज। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉसाइट प्लस प्लाज्मिड ले लिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्मिड। कॉसाइट टेकन फ्रॉम फेज वायरस एंड मिड टेकन फ्रॉम प्लाज्मिड, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मिड। तो कॉस्मिड क्या होते हैं, हाइब्रिड वेक्टर होते हैं, ठीक है। दीज आर प्लाज्मिड डेट कंटेन कोहेसिव एंड ऑफ बैक्टीरियोफेज लेमडा। इसमें देखा जाए बैक्टीरियोफेज लेमडा का कोहेसिव एंड जो होता है प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉस्मिड। ये कॉस्मिड इज ए टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड डेट कंटेन लेमडा फेज कॉसाइट। कॉस्मिड जो होता है एक प्रकार का हाइब्रिड प्लाज्मिड होते हैं जो लेमडा फेज कॉस सीक्वेंस क्या होते हैं इसके अंदर एग्जिस्ट होते हैं। दे दीज अलाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू लेमडा फेज हेड। कॉस्मिड कंटेन 32-52 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए, नॉर्मली 45 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए। द हाइब्रिड कॉस्मिड डीएनए इनकैप्सिड कैन देन बी ट्रांसफॉर्म इनटू बैक्टीरियल होस्ट बाय ट्रांजक्शन प्रोसेस। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, इसमें जो प्लाज्मिड आपका है उसके अंदर लेमडा फेज का कॉसाइट इंसर्ट कर दिया गया। इंसर्ट करने में जब ये आपका हाइब्रिड कॉस्मिड फॉर्म हो जाता है तो ये हाइब्रिड कॉस्मिड जो है ट्रांसफर हो जाता है किसमें, बैक्टीरियल सेल के अंदर। लेकिन कैसे ट्रांसफर होता है, तो बोला गया ट्रांसडक्शन के थ्रू। ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी वायरस का जीनोम किसी बैक्टीरिया के अंदर क्या करना, इंसर्ट किया जाता है। तो हम लोग ऑलरेडी हमारा एक वीडियो है ट्रांसडक्शन प्रोसेस, उसको आप देखेंगे तो काफी कंसेप्ट आपका वहां से भी आपकी क्लियर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है। आपकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आपके कॉस्मिड की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करें। पैकेज लार्ज इंसर्ट एंड थस आइडियल फॉर जीनोमिक लाइब्रेरी। हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो कॉस्मिड में लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं जो जीनोमिक लाइब्रेरी में कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है। हैव ए सेलेक्टिव मार्कर, उसके पास से क्या होता है, सेलेक्टिव मार्कर हम लोग ऐड करते हैं जो जिससे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें सेलेक्टिव मार्कर ऐड करते हैं। दे हैव एन ओरिसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसके अंदर पॉली लिंकर विथ मल्टीपल क्लोनिंग साइट होता है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब होता है कि हम कॉस्मिड के अंदर मल्टीपल जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमको जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना है तो उस जीनोम का मल्टीपल जीन हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी क्लोनिंग फॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर कॉस सीक्वेंस होता है, कॉस सीक्वेंस आपके पास जाते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट होता है आर पैकेज इंटू डिफेक्टिव फेज वायरस पार्टिकल एंड प्रोड्यूस कॉलोनी। और वहां पे क्या था, कॉलोनी आपकी प्रोड्यूस था। हम पैकेजिंग जो आपके करते हैं इनटू द फेज वायरस, फेज वायरस में क्या करते हैं, जो आपका कॉस साइट है उसी को हम लोग पैकेजिंग करते हैं और वो आपकी कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग फीचर की बात करते हैं प्लाज्मिड और लेमडा फेज के अंदर। तो क्यों हम लोग प्लाज्मिड और लेमडा फेज को ऐड करने के बाद कॉस्मिड बनाए, क्या मेन रीजन है, प्लाज्मिड में क्या मेन रीजन है, लेमडा फेज में क्यों हम लोगों ने यूज किया। तो उसका मेन कारण होता है कि प्लाज्मिड के अंदर जो फीचर होता है, दे हैविंग ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ओरिसाइट मल्टीपल क्लोनिंग साइट एंड सिलेक्टिव मार्कर होता है किसमें, प्लाज्मिड के अंदर। तो इस कारण मैंने आपको प्लाज्मिड को यूज किया कॉस्मिड के फॉर्मेशन में। लेमडा फेज
के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होता है ओनली कोहेसिव साइट या कॉस साइट रीजन आपका होता है जो आपके कहाँ से लिया जाता है, लेमडा फेज से। तो इस कारण देखा लेमडा फेज में कैरेक्टरिस्टिक था, प्लाज्मिड में आपकी कैरेक्टरिस्टिक, उन दोनों को ऐड करके हम लोग नया वेक्टर बना दिए, डैट इज नोन एज कॉस्मिड। ये आपका बेसिक फीचर की हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्मिड का। देखा जाए ये आपका क्या है, आपका कॉस्मिड आपका होता है, ये देखा जाए इको आरवन एंजाइम है, ए आर है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मार्कर है, ओडी साइट हो गया, ये आपका कॉस साइट हो गया, इसमें आपके देखा जाए कॉस डे। अब देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कि जो की आपका होता है, ये सभी चीज़ आपके की है, ये क्या आपको आपको प्रोवाइड करता है, वो सभी चीज़ यहाँ पे है। ठीक, ये आपका बेसिक फीचर हो गया। हम दूसरा यदि हम लोग यहाँ पे बात करें कॉस साइट के एग्जाम्पल की बात करें, पी डब्ल्यू ई 15 कॉस्मिड, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 8.2 किलो बेस पेयर की है। ठीक, लेकिन वही कॉस्मिड की बात करें पीईटी, इसका जो होता है कैरिंग कैपेसिटी 5.4 किलो बेस पेयर होता है। अब ये देखा जाए इसका तब क्या है, ये आपके कॉस्मिड दोनों कॉस्मिड है। ये कॉस्मिड के एग्जाम्पल यदि पूछा जाए कि कॉस्मिड के कोई एक दो का नाम बताइए, तो पीईटी और यहाँ पे PWE 15, ये क्या होते हैं, डेट द कॉस्मिड, एक कॉस्मिड वेक्टर। अब इसमें भी देखा जाए आपके सेम यही सभी चीज़ें आपके होते हैं, सेम आपके यहाँ पे भी है। इसके पास मल्टीपल आपके साइट होते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपके होते हैं। तो ये देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को होता है, डैट इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्मिड। एक कॉस्मिड के क्या है, सभी आपके स्ट्रक्चर होते हैं, उसके फीचर होते हैं, ये सभी फीचर में क्या किए गए हैं, मेंशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको आप और इसको याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा अपने कॉपी में, जिससे आपको रहेगा रेगुलर। कॉस्मिड एंड द वे इट इज यूज टू क्लोन लॉन्ग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अब लॉन्ग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्लोन करने लिए कॉस्मिड यूज करते हैं, कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग याद करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ये टिपिकल कॉस्मिड जिसकी कैरिंग कैपेसिटी आपकी 5.4 है, PJB 8। अब इसमें देखा जाए एम्फेसिन रेजिस्टेंस मार्कर है, बाम हो गया, ओरी साइट हो गया, कॉस साइट हो गया, ये लेमडा फेज का पार्ट होता है। अब देखा जाए इसमें इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत केयरफुली आलो पड़ेगा। तो पहले इस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्मिड इज ओपन एट इट्स यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट एंड न्यू डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्ट। अब देखा जाए दोस्तों ये आपका कॉस्मिड हो गया, कॉस साइट बाम ए सभी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट बाम H1 से हमने इसको ब्रेक किया। अब देखा जाए बाम H1 से ब्रेक किया तो देखा जाए एक कॉस साइट हो गया और ये आपका बाम H1 हो गया, एक कॉस साइट हो गया, ये आपका एम्फेसिलिन हो गया, कॉस साइट हो गया लीनियर BJ B8। ये देखा जाए ये आपको यहाँ से कट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट यहाँ पे बन के तैयार हो गए। ये जो फ्रेगमेंट आपका होता है इसमें हम ऐड करते हैं न्यू डीएनए मॉलिक्यूल को, जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल किससे हमने कट किया है, बाम H1 से, जिससे स्टिकी बन जाए, आपस में ज्वाइंट हो जाए, देखा जाए न्यू डीएनए हो गया। अब ये जो आपका फ्रेगमेंट हुआ कॉस्मिट का और ये न्यू डीएनए को हमने देखिए ऐड कर दिया। अब देखा जाए दोस्तों ये देखिए आपका कॉसाइट एम्फेसिलिन, कॉसाइट एम्फेसिलिन यहाँ पे बाम H1 वाला ये न्यू डीएनए, यहाँ पे कॉस साइट आपका PJB लीनियर सीक्वेंस यहाँ पे आपको ऐड हो गया, यहाँ पे अगेन आपके हो गए, ये आपका देखा जाए यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे हो गया बाम H1, ये देखा जाए यहाँ पे। अब ये देखा जाए दोस्तों ये जो डीएनए मॉलिक्यूल देखा जाए मल्टीपल पॉइंट पे क्या हुआ, आपके कॉस्मिड में ये चीज ऐड करने बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, पैकेजिंग कर देते हैं इन टू द वायरस। ये देखा जो डीएनए है एक कैसा है, रिकॉम्बिनेंट कॉस्मिड डीएनए है दोस्तों, ये वायरस के अंदर क्या है आपका रिकॉम्बिनेंट कॉस्मिड डीएनए आपका है, और यही लेमडा फेज क्या होता है इन्फेक्ट कर देते हैं हम लोग इकोलाई में, और यही इकोलाई की क्या होती है यहाँ पे कॉलोनी डेवलप हो जाती है। और एक मीडिया कैसा हम लोग यूज करते हैं, एम्फिसलिन मीडिया यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है एम्फिसलिन आपका है रेजिस्टेंस, तो बैक्टीरिया सिर्फ उसमें वही ग्रो करेगी जिसके अंदर एम्फिसलिन रेजिस्टेंस मार्कर होगा। अब देखा जाए यहाँ पे दोस्तों कॉलोनी डेवलप होकर तैयार हो गई। अब देखा जाए जो आपका जो मल्टीपल जीन था, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उसकी कॉलोनी बनके रेडी हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग का होता है, स्ट्रक्चर को से और खूब अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेकंड में हम लोग ने क्या था, दीज फ्रेगमेंट आर यूजली प्रोड्यूस बाय पार्शियल डाइजेशन विथ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, ए टोटल डाइजेशन ऑलमोस्ट इनवेरिएबल रिजल्ट इन फ्रेगमेंट डायट आर टू स्मॉल टू बी क्लोन विथ कॉस्मिड। अब हम लोगों ने क्या कहता, फ्रेगमेंट में जब क्लोन किया था छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए थे, फ्रेगमेंट बनने के बाद क्या किया गया था, जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको इंसर्ट करना है उस डीएनए को हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसको लाइगेशन कर देते हैं, लाइगेशन करने बाद क्या होता है उसको हम लोग फेज में पैकेजिंग कर देते हैं, नया फेज बन के रेडी हो जाता है कॉस्मिड का। जो फेज होता है उसके अंदर कॉस्मिड डीएनए पाए जाते हैं,
उस फेज को हम लोग इन्फेक्ट कर देते हैं आपके इकोलाई कल्चर में, जिससे क्या होता है आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों मीडिया हम लोग यूज करेंगे क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉलोन मीडिया यूज करेंगे, और जितने भी आपकी कॉलोनी बनेगी बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसमें उतने क्या होंगे रिकमेंडेड मॉलिक्यूल आपके होंगे। तो ये क्या होगा, तो इसमें देखा जाए कॉस्मेट को हम लोग यूज करते हैं आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग का होता है। इन विट्रो पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग कैसे होता है पहले दोस्तों उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर ले। तो देखा जाए एक कॉस साइट हो गया, कॉस साइट यहाँ पे हो गया, ये देखा जाए कॉस्मेट लाइगेटेड विद डीएनए पॉलीमर, माने जो भी आपके बाकी जो कॉस्मेट के पार्ट थे, ये देखा दोनों कॉस साइट क्या होते हैं आपस में, ये आपका प्री हेड प्रोटीन होता है, टेल होता है, इनकी असेंबलिंग जो होता है वो प्रोटीन डी और एटीपी एंजाइम से, एटीपी एनर्जी सोर्स से करते हैं, ठीक। तो ये देखा जाए क्या होता है, ये आपके यहाँ पे आकर के देखिए यहाँ पे लाइगेज हो गए, ये देखा जाए यहाँ पे असेंबलिंग हो जाती है पूरी, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, असेंबलिंग दोस्त बच्चों की क्लियर हो गया ना पॉइंट, ठीक। एडवांटेज की बात करते हैं, द एडवांटेज ऑफ कॉस्मेट फॉर कंस्ट्रक्शन जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर लार्ज जीनोम इज दैट दे हैव क्लोन कैपेसिटी अबाउट ट्वाइस ऑफ द लैम्डा वेक्टर, दे कैन एक्सेप्ट इंसर्ट ऑफ अप टू अबाउट 40 किलो बेस पेयर वेल लैम्डा रिस्ट्रिक्टेड टू अबाउट 20 किलो बेस पेयर। अब इसमें देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका एडवांटेज है क्या, हमको जीनोमिक लाइब्रेरी यदि कंस्ट्रक्शन करना है उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं आपके कॉस्मिड, यस कॉस्मिड यूज करते हैं। वायरस लैम्डा फेज को नहीं यूज कर सकते हैं, लैम्डा वायरस को नहीं यूज कर सकते, उसका कारण क्या होता है कि लैम्डा वायरस की जो कैरिंग कैपेसिटी वो रिस्ट्रिक्टेड 20 किलो बेस पर, लेकिन हमको मान लिया 30-40 किलो बेस पर का डीएनए ट्रांसफर करना है तो लैम्डा फेज नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोई आपका ऐसा प्लाज्मिड चाहिए या कोई ऐसा वेक्टर चाहिए जो इजिली कैरी कर सके, तो उस समय हम लोगों ने कॉन्स्ट्रक्ट किया था कौन आपका वेक्टर कॉस्मिड। इस लेक्चर को बनाने के लिए हमने बहुत से रेफरेंसेज यूज किए थे दोस्तों, ये रेफरेंस को आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस होते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे फेजमिट या फेसमिट के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक आपने देखा, थैंक यू, सब्सक्राइब भी किया, थैंक यू, आपने कमेंट्स भी लिखा और इसको लाइक भी किया। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के बाद आप लोग देखने के बाद यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो ये हमारा गिवन नंबर है, आप उस नंबर पे आप हमको कमेंट भी लिख सकते हैं कि इस टॉपिक को दोबारा समझा दिया जाए। तो हम आपको जूम लेक्चर के थ्रू भी जो है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में आप हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जूम का लिंक भेज दूंगा। यदि आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू हम आपको उस जो पॉइंट है उसको हम लोग क्लियर भी कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।